अंगूठी कहाँ गई? कृष्णा जी, आपके पैर के नीचे है अंगूठी। क्या हुआ बाबू? अरे क्या हो गया? रुक, हम दवाई का डब्बा लेके आ रहे हैं। ओह गॉड, कृष्ण को भी अभी ही चोट लगनी थी। चोट लगी या सर फूटे, पर ये एंगेजमेंट तो आज होके रहेगी। अच्छा ला ला, हम ना हम तुम्हें अंगूठी पहना देते, फिर हम डॉक्टर के पास चलेंगे, ठीक है? ला, थोड़ा सा दर्द होगा कृष्ण, प्लीज। दर्द हो रहा है। अरे कृष्ण, नहीं होगा दर्द, दो मिनट। अरे कृष्ण, नहीं होगा कृष्ण, बस दो मिनट और। आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बिंदिया को बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर ले आया है बलदेव। और अम्मा जी भी काफी ज्यादा खुश हैं कि अब हमारी बिंदिया हमारी आंखों के सामने ही रहेगी। बिंदिया पहले तो इनकार करती है, लेकिन बाबूजी के कहने पर बिंदिया मान जाती है। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन पायल को पता लग जाता है बलदेव का सारा सच, कि आखिरकार बलदेव ने किसी प्लान के तहत ही बुलाया है यहाँ पर वापस बिंदिया को। और ये जानकर पायल बौखला जाती है। अम्मा जी से कहती है अब हम सबको सब कुछ बता देगी। अम्मा जी काफी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पायल किसी की एक नहीं सुनती। आने वाले एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से पायल सबको बुलाती हुई दिखाई देगी। कृष कृष चिल्लाएगी और यहाँ पर इंदु आ जाएगी और उसे डांटने लगेगी कि क्या हो गया जो तुम ऐसे चिल्लाए जा रही हो। और यहाँ पर भागा हुआ कृष भी आता है। दूसरी ओर हम देखने वाले हैं कि दरअसल बलदेव और अम्मा जी का प्लान ये था कि किस तरीके से बिंदिया को झूठ बोलकर इस घर में लाया जाए, ताकि बिंदिया और कृष के बीच में कुछ ना कुछ तो सही हो ही जाए। और ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ सही हो भी जाएगा। वेल, देखते हैं आने वाले एपिसोड में कौन सा बड़ा नया ट्विस्ट आता है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।